नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दौलन अध्याय का पांचवा तथा आखिरी भाग समझेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि अवमंदित सरल आवृत गति क्या होती है, जिसके बाद हम देखेंगे कि परनौदित दौलन तथा अनुनाद क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अवमंदित सरल आवृत गति क्या होती है। दोस्तों, वायु में दौलन करने वाली किसी सरल लोक की गति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए ये कोई एक बच्चा है जो कि झूला झूल रहा है। अब दोस्तों, क्या होगा अगर ये बच्चा अचानक से अपने पैरों को पंप करना बंद कर दे? तो क्या वह झूला तुरंत से चलना बंद हो जाएगा? नहीं दोस्तों, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसकी बजाय झूले के दौलनों का आयाम धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और समय के साथ झूला अंततः बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है? झूला अभी भी दौलन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो दौलन है वह कम है, जिसका अर्थ यह है कि कुछ बल है जो उन्हें समय के साथ छोटा छोटा होने को मजबूर कर रहे हैं। मतलब इसका तात्पर्य यह है कि कुछ प्रतिरोधक बल है जो झूले की गति को विरोध कर रहा है। इस प्रकार की गति को हम अवमंदित दौलक गति कहते हैं। अवमंदित दौलनों में निकाय की ऊर्जा का धीरे धीरे क्षय होता रहता है, तथापि अभासी रूप से दौलन आवृत्ति रहते हैं। दोस्तों, व्यापक रूप से क्षयकारी बल घर्षण बल ही होता है। इस प्रकार के बाह्य बलों को किसी दौलक की गति पर प्रभाव समझने के लिए हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, जो कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक गुटका है जो कि कमानी से संलग्न है और इसका एक हिस्सा है जो कि दीवार से लगा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर के कमानी स्थिरांक की किसी प्रत्यास्थता कमानी से जुड़ा कोई गुटका ऊर्ध्वाधर दौलन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यदि गुटके को नीचे की ओर थोड़ा सा खींचा जाए तो इसके अनुसार जो हमारे पास समीकरण आता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। मतलब ओमेगा बराबर है घनमूल के भाग एम के, जो कि कोणीय आवृत्ति से दौलन करता है। दोस्तों, स्टॉक्स के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि यदि अवमंदन बल को एफडी से निरूपित किया जाए तो ये बराबर होगा बी वी के, जहां पर धनात्मक स्थिरांक बी माध्यम के गुणों तथा गुटकी की आमाप तथा आकृति पर निर्भर करता है। दोस्तों, जब कमानी में कोई द्रव्यमान एम से जोड़कर छोड़ते हैं तो कमानी की लंबाई में कुछ वृद्धि हो जाती है और द्रव्यमान एक ऊंचाई पर आकार स्थिर हो जाता है। जब द्रव्यमान को थोड़ा नीचे या ऊपर खींचते हैं तो इस पर एक प्रत्यास्थता मतलब प्रत्यायन बल लगता है, जो कि है Fs बराबर के एक्स के। दोस्तों, इस प्रकार किसी क्षण द्रव्यमान पर कार्य करने वाला कुल बल होता है F बराबर ऋणात्मक के एक्स ऋणात्मक बी वी। और जैसा कि हम न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार जानते हैं कि F बराबर होता है m a के, जहां पर m भार है तथा a त्वरण है। तो इसके अनुसार हमारे पास कुछ इस प्रकार का समीकरण आता है। मतलब m a बराबर है ऋणात्मक k x घटा b v के। दोस्तों, यदि vt at के लिए xt के प्रथम तथा द्वितीय अवकलज क्रमश प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार का समीकरण। इस समीकरण से हमें ये पता लगता है कि अवमंदन बल वेग के अनुपाती होता है। मतलब इसके अनुसार हमारे पास जो समीकरण आता है वो कुछ इस प्रकार से होता है।
जहां ए अवमंदित दोलन का आयाम तथा ओमेगा इसकी कोणीय आवृत्ति होती है। तो दोस्तों, कोणीय आवृत्ति हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगी। दोस्तों, इस फलन में कौज्या फलन का आवृत काल 2π भाग ओमेगा डैश है। दोस्तों, जैसा कि आप ये ग्राफ देख सकते हैं, इसमें दोलन के घटते हुए आयाम के साथ एक अवमंदित दोलन सन्निक्ट रूप से आवृत्ति करता है। ज्यादा अवमंदन होने पर दोलन द्रुत रूप से क्षीण हो जाता है। दोस्तों, समीकरण 8 से अगर हम ये माने कि एक कौज्या फलन की भांति जिसका आयाम समय के साथ धीरे धीरे घटता है, तो किसी अवमंदित दोलक की यांत्रिक ऊर्जा आएगी 1/2 kA2। यदि दोलक में अवमंदन है तो आयाम अचर नहीं होता है, परंतु वह समय पर निर्भर करता है। दोस्तों, यदि अवमंदन लघु है तो हम आयाम को कुछ इस प्रकार से मान सकते हैं, मतलब ऊर्जा बराबर है 1/2 kA2e^(Bt/2m)। इस समीकरण से हमें यह पता चलता है कि कुल ऊर्जा समय के साथ घटती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि परनोदित दोलन तथा अनुनाद क्या होते हैं। दोस्तों, यदि दोलन को रोकने के लिए कुछ बाहरी बल को जारी रखा जाए, तो ऐसी दोलनों को परनोदित दोलन या फिर परिचालक दोलन कहते हैं। दोस्तों, परनोदित दोलनों में प्रणाली प्राकृतिक आवृत्ति के साथ नहीं बल्कि बाहरी आवृत्ति के साथ दोलन करती है। उदाहरण के तौर पर, जब बगीचे के झूले में एक बच्चा समय समय पर जमीन के खिलाफ अपने पैरों को फर्श पर लगाता है, या किसी और को समय समय पर बच्चे को धक्का देता है, तो वहां पर एक आवृत्ति बाह्य बल लगता है। दोस्तों, मान लीजिए किसी अवमंदित दोलक पर समय के साथ विचरण करने वाली F0 आयाम का कोई आवृत्ति बाह्य बल FT आरोपित किया गया है, तो इस बल के अनुसार हमारे पास जो समीकरण आता है वो है FT = F0 cos ωdt। दोस्तों, यदि इस समीकरण को किसी कण का रैखिक प्रत्यायन बल, अवमंदित बल तथा कलांशित प्रणोदित बल के संयोजी प्रभाव के अंतर्गत लिखा जाए, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का समीकरण आता है। दोस्तों, त्वरण को अगर कुछ इस प्रकार से लिखा जाए, तो हमारे पास पुनर्व्यवस्थित करके कुछ इस प्रकार का समीकरण आएगा। दोस्तों, प्रारंभ में दोलन अपने प्राकृतिक आवृत्ति ओमेगा से दोलन करता है। जब हम इस पर एक बाह्य बल आवृत्ति बल लगाते हैं, तो प्राकृतिक आवृत्ति बल दोलन क्षीण हो जाता है और वस्तु आरोपित बाह्य बल की आवृत्ति से दोलन करने लगता है। प्राकृतिक दोलन के शांत हो जाने के उपरांत हमें कुछ इस प्रकार का समीकरण मिलता है, जिसमें xt विस्थापन है, आयाम a कोणीय आवृत्तियों ओमेगा d तथा परनोदित आवृत्ति ओमेगा का फलन है, जिसे हम कुछ इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह समीकरण हमें यह दर्शाता है कि आयाम परिचालक बल आवृत्ति पर निर्भर करता है। दोस्तों, कोणीय आवृत्तियों का परनोदित आवृत्तियों से अत्यधिक भिन्न होने के कारण और समीप होने की अवस्थाओं में हमें दोलन का भिन्न भिन्न व्यवहार देखने को मिलता है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये भिन्न भिन्न प्रकार कौन से होते हैं। पहला है अल्प अवमंदन, जब परिचालक आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति से अधिक भिन्न होती है। दोस्तों, इस स्थिति में ओमेगा ए बी एम ओमेगा वर्ग 2 घटा ओमेगा डी वर्ग 2 से अधिकम होता है, तो इसके अनुसार हमारे पास जो समीकरण आता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। दोस्तों, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, इस ग्राफ के अनुसार हमें ये पता चलता है कि जब अवमंदन कम होता है, तो
ऊंचा और संकीर्ण अनुनान शिखर हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, अवमंदन बढ़ने पर अनुनाद आयाम घटता जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब परिचालक आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति के निकट होती है तब क्या होता है। दोस्तों, यदि ओमेगा ओमेगा डी के अति निकट होता है तो एम ओमेगा वर्ग दो घटा ओमेगा डी वर्ग दो बी के उचित मानों के लिए ओमेगा ए बी से बहुत कम हो जाता है। इस अवस्था में हमें कुछ इस प्रकार का समीकरण मिलता है। इससे हमें यह पता चलता है कि किसी निश्चित परिचालक आवृत्ति के लिए अधिकतम संभव आयाम परिचालक आवृत्ति तथा अवमंदन पर निर्भर करता है। दोस्तों, जब एक बाहरी कंपन प्रणाली एक प्रणाली को एक विशिष्ट आवृत्ति पर अधिक आयाम के साथ दोलन करने का कारण बनाती है तो इस घटना को हम अनुनाद कहते हैं और उस विशिष्ट आवृत्ति को प्रतिध्वनि आवृत्ति कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर एक गिटार जो कि एक प्रणाली है और किसी अन्य गिटार जो कि दूसरी प्रणाली है का उपयोग करते हुए आप देख सकते हैं कि गूंजयमान आवृत्ति पर स्ट्रिंग के कंपन का आयाम सबसे बड़ा है। गूंजयमान आवृत्तियों पर उत्पादित ये बड़े आयाम दोलनों कंपन ऊर्जा के कारण होते हैं जो कि सिस्टम में संग्रहित होते हैं। दोस्तों, अनुनाद के भिन्न भिन्न इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल पुलों में, ध्वनिक यंत्रों में, कक्षीय एक दूसरे को प्रभावित करने वाले शरीरों में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, कण परमाणु अणु और एक दूसरे को प्रभावित करने वाले कणों में, प्रकाशीय अनुनाद जो कि प्रकाश तरंगे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कि अवमंदित सरल आवृत गति क्या होती है, जिसके बाद हमने प्रणोदित दोलन तथा अनुनाद के बारे में पढ़ा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषय को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।